निश्चित मच्छर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है 99 टू द पावर ऑफ 99 वर्सेस 98 टू द पावर ऑफ 100, दो नंबर्स गिवन से, बिग नंबर्स है। यहाँ पर दोनों में कौन सा नंबर लार्जर है ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या गिवन है वो देखिए, 99 टू द पावर ऑफ 99 नंबर है और वर्सेस 98 टू द पावर ऑफ 100 है, दोनों बिग नंबर है। आसानी से हम इसे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा हमें। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये सपोज ये है समझ लो, ये बी है समझ लो। अगर ये डिवाइडेड बाई बी अगर किया तो इसका वैल्यू, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन स्मॉलर देन वन आया देन हमें पता चलेगा ये इज स्मॉलर देन बी। ओके, अगर ये डिवाइडेड बाई बी अगर ग्रेटर देन वन आया रिजल्ट इनका, ये एक को एक डिवाइड करेंगे तो देन अब ये ग्रेटर देन बी रहेगा। ये दोनों हम याद रख लेंगे, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे एक में एक, अगर ये है ये बी है तो यहाँ पर 99 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 98 टू द पावर 100, इसका रिजल्ट क्या आता है वो देखेंगे। अगर स्मॉलर देन वन आया रिजल्ट तो ये इज स्मॉलर देन बी रहेगा, और ग्रेटर देन आया रिजल्ट तो ये ग्रेटर देन बी रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 99 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 98, 100 को हम 99 प्लस करेंगे 1 करेंगे तो 99 प्लस 1 किया तो इक्वल्स ये बनते हैं 99 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर प्रोडक्ट टूल यूज़ किया तो ये बनते हैं 98 टू द पावर 99 इंटू 98 टू द पावर ऑफ 1। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते 99 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 98 टू द पावर 99 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 98 टू द पावर ऑफ 1। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट है, तो ये टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई बी टू द पावर ऑफ एक्स के जैसा है तो ये डिवाइडेड बाई बी होल टू द पावर ऑफ एक्स बनते। ये रूल अगर यहाँ पर यूज़ किया तो ये बनते 99 डिवाइडेड बाई 98 होल टू द पावर 99 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 98 टू द पावर 1 मीन्स 98 ही बनते। ऐसे भी हम रख सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स 99 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 98 टू द पावर 100 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर देखो 99 डिवाइड बाई 98 का वैल्यू क्या होता है, 99 डिवाइड बाई 98 मीन्स क्या होता है 1 प्लस 1 बाई 98 बनते हैं। अगर दोनों क्रॉस कर लो तो 99 डिवाइड बाई 98 ही बनते हैं, यानी इसके जगह में हम 1 प्लस 1 बाई 98 लिखेंगे तब ये बनते 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 98 टू द पावर 99 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 98, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 98 यहाँ पर 98 है, यहाँ पर 99 है, इसे हम ब्रेक करके 98 प्लस 1 करेंगे इसे, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 98 होल टू द पावर 98 को मैं ब्रेक करके 98 प्लस 1 लिखता हूँ तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 98 राइट साइड का त्याज लिखा। अभी यहाँ पर और एक बार प्रोडक्ट रूल यूज़ कर दो तभी ये बनते हैं 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 98 होल टू द पावर 98 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 98 होल टू द पावर ऑफ 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 98 ये फाइनल में बन सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 98 टू द पावर ऑफ 98 हमें मालूम है ये यूलर्स नियम क्या है, अगर लिमिट n टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 डिवाइड बाई n होल टू द पावर ऑफ अगर n रहा तो इसका वैल्यू e बनता है, e मीन्स यूलर्स नंबर है। यूलर्स नंबर क्या होता है, e इज नियरली इक्वल्स टू 2.7182 ऐसे ब्रैकेट चले जाते हैं, तो यानी e इज नियरली इक्वल्स टू स्मॉलर देन 3। ओके, तो यहाँ पर हम ई का वैल्यू, यहाँ पर ये 1 प्लस 1 बाई एन होल टू द पावर ऑफ एन के जैसे यहाँ पर हम ई यूज़ करेंगे तब ये बनते हैं इज इक्वल्स यहाँ पर ई टाइम्स 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 98 होल टू द पावर ऑफ 1, 1 लिखे तो भी चलते हैं 9 लिखे तो चलते हैं और 1 डिवाइडेड बाई 98 ऐसे चलते। जो यहाँ पर ई आया है तो ये स्मॉलर देन 3 है, ई का वैल्यू स्मॉलर देन 3 है तो इसका मतलब ये इक्वल्स स्मॉलर देन 3 टाइम्स 1 प्लस 1 बाई 98 को
और 99 डिवाइडेड बाई 98 हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 98 डिवाइड बाई 98 ही बनते हैं, ये 1 डिवाइड बाई 98 एच स्मॉल, तो स्मॉलर देन 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 98 डिवाइड बाई 98 हो गया इंटू 1 बाई 98 आगे का एच स्मॉल। तो इसका मतलब दिस इक्वल्स 3 से अगर 99 को अगर हम मल्टीप्लीकेशन किया तो 297 आएगा, तो 297 डिवाइडेड बाई 98 होल स्क्वायर, ये एक 98 ये एक 98, 98 होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स 297 डिवाइडेड बाई 98 होल स्क्वायर, मीन्स 98 का अगर स्क्वायर लिया तो 9604 बनते, 9604, देखो अभी क्या आ रहे हैं, 99 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 98 टू द पावर 100 इज इक्वल टू क्या आ रहे, 297 डिवाइडेड बाई 9604, तो ये 297 डिवाइड बाई 9604 इज स्मॉलर देन वन ये बनता है। तो हमें स्मॉलर देन वन आने के बाद यानी इसका मतलब क्या आ रहा है, 297 मीन्स 99 टू द पावर 99 और 9604 या 98 डिवाइड बाई 100 हो रहे हैं, तो इसका मतलब 99 टू द पावर ऑफ 99 इज स्मॉलर देन 98 टू द पावर ऑफ 100, ये हमें फाइनल में आ गया। इसका मतलब यहाँ पर विच वन इज लार्जर है, तो इसमें लार्जर कौन सा है, 99 टू द पावर ऑफ 99 इज स्मॉलर देन 98 टू द पावर ऑफ 100 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 98 टू द पावर ऑफ 100 इज लार्जर वन। इन दोनों में ओके, ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।